तो मूवी के स्टार्टिंग में हम जून नाम के एक लड़के को देखते हैं जो गेम की लाइव स्ट्रीम कर रहा था। तभी उसे कुछ कमेंट्स पढ़ते और पता चलता है कि साउथ सिटी के अंदर एक अजीब सा वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और इन्फेक्टेड लोग कैनिबल्स की तरह ही दूसरे इंसानों पर हमला कर रहे हैं। वो घर के बाहर देखता है तो वहाँ पे भी काफी सारे इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। तभी जून एक माँ और बेटी को देखता है जो एक दूसरे से बिछड़ गए थे और दोनों भी जब एक दूसरे से मिलते हैं तब वो बेटी अपने ही माँ को खाने लगती है क्योंकि ये सारे लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल गए थे। जून के पेरेंट्स और उसकी बहन कुछ ही देर पहले कुछ सामान लाने बाहर गए थे, इसीलिए वो उन्हें कॉल लगाने लगता है कि वो सेफ है या नहीं, लेकिन उनकी कॉल लगती ही नहीं है। तभी जून का एक पड़ोसी जबरदस्ती उसके घर में घुस आता है। अब जून उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है पर वो कहता है कि उसे बस वॉशरूम यूज करके वो चला जाएगा। और थोड़ी देर के बाद जब वो बाथरूम से बाहर आता है तब धीरे धीरे हम देखते हैं ज़ॉम्बी में वो बदलने लगता है और जून पर हमला करता है, पर जून बड़े ही मुश्किल से उसे बाहर निकालता है और तभी एक बड़ा सा ज़ॉम्बी आके उसके पड़ोसी को मार डालता है। अब ये सब कुछ देखते हुए जून अपना फ्रिज दरवाजे के सामने रख देता है और तभी जून को उसके पेरेंट्स का मैसेज आता है कि वो सब कुछ सेफ है और उसके पिता के ऑफिस में छुपे हुए हैं। अब जून को घर में ही लॉकडाउन में रहना था, इसीलिए वो घर का खाना देखता है जो कि बहुत ही कम था। वो प्लान करके कुछ खाना खा लेता है और यहाँ वहाँ टाइम पास करते हुए ही उसका पहला दिन निकल जाता है। अब अगले दिन जून मोबाइल को ड्रोन लगाकर ड्रोन को वो ऑपरेट करने लगता है ताकि उसे नेटवर्क मिले, लेकिन ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है। अब यहाँ से एक दो दिन तक वो काफी अकेला था, बचने का कोई भी रास्ता नहीं था और तो और खाना और पानी भी खत्म हो रहा था, इसलिए धीरे धीरे उसका मनोबल टूटने लगता है। यहाँ पे जून को रात में किसी के चीखने की आवाज आती है। वो बालकनी में देखने जाता है तब देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर इन ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, पर जून उसे किसी तरह बचाए उसके पहले ही ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं और पूरी तरीके से हमला कर उसे भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। ये देखकर जून को बहुत गुस्सा आता है और वो जोरों जोरों से ज़ॉम्बीज़ को गाली देने लगता है, पर इससे वो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है क्योंकि एक बड़ा सा ज़ॉम्बी उसके घर की तरफ ही आता है और उसका दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। वो ज़ॉम्बी ताकतवर होने के कारण जून उसे रोक नहीं पाता और जून जानबूझकर बालकनी से नीचे कूद जाता है। ये देख पीछे पीछे ज़ॉम्बी भी बालकनी से कूद जाता है और वो ज़ॉम्बी मारा जाता है, लेकिन जून असल में यहाँ पे बालकनी से लटक रहा होता है। ज़ॉम्बी मरने के बाद वो वापस ऊपर आ जाता है। दोस्तों ये ज़ॉम्बी बाकी मूवी की तरह ही काफी स्मार्ट होते हैं, उन्हें अपनी पिछली जिंदगी और उनके काम के बारे में पता होता है, इसलिए ये ज़ॉम्बी जब जून का घर देखता है तब उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है। अब यहाँ पर एक के बाद एक दिन निकलते जाते हैं और जून का खाना और पानी भी खत्म होने लगता है और उसे काफी दिक्कत होती है। उसे याद आता है कि उसके पास FM रेडियो है, उसके द्वारा मदद मिल सकती है, लेकिन उसके पास उसका ऑडियो जैक न होने के कारण कुछ हो नहीं पाता। अब देखते ही देखते दिन बीतते जाता है और 15 दिन हो चुके थे, किसी भी तरह की कोई मदद नहीं होती और जून पूरी तरीके से डिप्रेस हुआ था। नीचे और बिल्डिंग में काफी सारे ज़ॉम्बीज बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन अचानक से वो नींद से उठता है और उसे पता चलता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और उसके माता पिता और बहन वापस आ गए हैं। वो काफी हैरान था, उनसे बात कर ही रहा था तभी अचानक से उसके फोन की घंटी बजती है और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ उसका हेलुसिनेशन था। सिचुएशन अभी भी वैसी ही है, मोबाइल फोन पर उसके पिता का ऑडियो मैसेज था और वो उसे सुनने लगता है और तब पता चलता है उसके फैमिली के ऊपर ज़ॉम्बीज़ का हमला हुआ है और उसी मैसेज में उनकी चीखों के साथ वो मारे जाते हैं। अब ये सब कुछ सुनकर जून पूरी तरीके से टूट जाता है, उसे इन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर काफी गुस्सा आता है और इन ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए वो बाहर निकलता है। बिल्डिंग के काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को वो मारता भी है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ का झुंड इतना ज्यादा होने के कारण सब लोग उसके ऊपर हावी होने लगते हैं और अब वो डरने लगता है। ये देखते हुए वो भागते हुए वापस अपने अपार्टमेंट में लौट आता है और फ्रिज रख देता है। देखते ही देखते 20 दिन हो चुके थे और वो धीरे धीरे पागल होने लगता है क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, खाना पानी सब कुछ खत्म हो गया था। अब ना चाहते हुए भी वो आखिरी ऑप्शन खुद को फांसी लगाने के लिए जाता है। वो रस्सी बांधकर खुद को फांसी लगाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसके अपार्टमेंट में एक लेजर लाइट आती है, मानो कोई उसे इशारा दे रहा है। वो
अपनी खिड़की से उस दिशा में देखता है, तब उसे सामने के ही अपार्टमेंट में एक लड़की दिखाई देती है। वो भी एक सर्वाइवर थी, जिसे देख जून बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब दोनों भी एक दूसरे को साइन दिखाते हुए बात करने लगते हैं। वो लड़की अपना नाम किम बताती है। अब यहाँ पे जून को जीने की एक खूबसूरत उम्मीद मिल गई थी, इसलिए दोनों भी रोज इशारों में बातें करने लगते हैं। यहाँ पे हम किम के घर में देखते हैं, उसने ज़ॉम्बीज को पकड़ने के लिए अपने दरवाजे के पास एक ट्रैप लगाया था। और अगले ही दिन जब वो उठती है, तब वो देखती है उसमें एक ज़ॉम्बी फंस गया था, जिसे देख वो काफी डर जाती है। लेकिन अब खुद को बचाने के लिए उसे उस ज़ॉम्बी को मारना पड़ता है। उसके बाद दोनों भी वापस बातचीत कर रहे होते हैं, जिसमें जून उसे बताता है कि वो काफी समय से भूखा है, इसीलिए उसको कुछ खाना देने के लिए एक बॉल के जरिए रस्सी उसके घर में फेंकने की कोशिश करती है, पर वो बॉल नीचे गिर जाता है। फिर जून ड्रोन को रस्सी से जोड़कर उसे उड़ाता है, जिससे दोनों अपार्टमेंट एक रस्सी से जुड़ जाते हैं और उसके थ्रू जून को खाना मिलता है। पर जो रस्सी नीचे टूट कर गिर गई थी, वो बॉल एक फायर फाइटर ज़ॉम्बीज को लगता है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे ज़ॉम्बीज को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पता था कि पहले वो एक फायर फाइटर था, इसीलिए उस रस्सी के मदद से वो आसानी से रस्सी चढ़कर ऊपर आने लगता है। और वो उस रस्सी को खींचता है, जिसे किम के रूम का एक टेबल जुड़ा हुआ था। वो टेबल जोरों से किम की तरफ आता है और किम को लगने के कारण वो बेचारी बेहोश हो जाती है और वो ज़ॉम्बीज ऊपर चढ़ने लग जाता है। ये देखकर जून अपने ड्रोन से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो ज़ॉम्बी ड्रोन को भी फेंक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जून के दरवाजे पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज की आवाज आने लगती है और उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे ये फायर फाइटर ज़ॉम्बी किम के घर पे पहुँचने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे होश आता है और वो उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और ज़ॉम्बी उधर ही गिरकर मारा जाता है। अब उस रात जून डिसाइड करता है कि वो आसपास के फ्लैट में जाकर कुछ खाना पानी और कुछ सामान लाएगा। इसीलिए जून उनके बिल्डिंग का जो सेक्रेटरी होता है, वो भी ज़ॉम्बी बना था, उसके पास से सारी चाबियां काफी मुश्किल से ले लेता है और वो आसपास के फ्लैट में चुपके से जाकर देखने लगता है। उसे उस फ्लैट में कुछ खाना और वॉकी टॉकी ईयरफोन सामान मिलता है। जब जून बेड पर चेक कर रहा होता है, तब उसे वहाँ पे एक लाश दिखाई देती है। वो राहत की सांस लेता है कि चलो यहाँ पे ज़ॉम्बी तो नहीं है। पर तभी उस घर का मालिक जो ज़ॉम्बी बना था, वो उसके ऊपर हमला करने आता है। लेकिन जून बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचकर वापस अपने घर में आता है। अब जून कोशिश करता है कि वायर ईयरफोन की मदद से वो कुछ मैसेज भेज सके, लेकिन रेडियो भी डाउन था। अब जून कुछ खाना और वॉकी टॉकी रस्सी की मदद से किम को पास करता है और वॉकी टॉकी की मदद से फाइनली दोनों भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तभी उन्हें बारिश आने की आवाज आती है। वो दोनों भी देखने लगते हैं, पर ये बारिश की आवाज ना होकर काफी सारे ज़ॉम्बीज वहाँ से जा रहे थे, उनकी आवाज थी। ये देख दोनों भी नीचे छुप जाते हैं, लेकिन किम के पास रखा हुआ रैक गलती से नीचे गिर जाता है, इसलिए सारे ज़ॉम्बीज वही रुक जाते हैं। अब ज़ॉम्बीज किम के घर के पास जा रहे होते हैं, तभी जून किम के बगल वाले बिल्डिंग में एक लैंडलाइन पे फोन करता है और उसी आवाज के कारण सारे ज़ॉम्बीज उस दूसरे बिल्डिंग में चले जाते हैं। अब अगले दिन किम का ध्यान जून के बिल्डिंग पर जाता है। उनके 8th फ्लोर पे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं था और वो दोनों भी वहाँ रेस्क्यू मिलने तक सेफली रह सकते थे, इसलिए वहीं पे जाने का फैसला करते हैं। अब किम कैसे तैसे ज़ॉम्बी से लड़ते हुए जून के बिल्डिंग में पहुँच जाती है और वो आगे बढ़ते हैं दोनों भी 8th फ्लोर जाने के लिए। अब जब दोनों रियूनाइट होते हैं और दोनों भी 8th फ्लोर पे जा पहुँचते हैं और रूम खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी रूम खुलता नहीं है और उतने में सारे पीछे से ज़ॉम्बीज आके उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। अब उनके आखिरी पल आ गए थे, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आदमी स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और उन दोनों को भी अपने घर में लेता है। वो एक सर्वाइवर था जो कि काफी अच्छे से बात कर रहा था और इनको खुद का खाना और पानी पीने के लिए देता है। ये देख किम और जून दोनों को भी उसके ऊपर शक आता है कि ऐसे हालात में जहाँ पर खाना काफी लिमिटेड है, इनकी मदद कोई क्यों करेगा। पर इनका शक दूर करने के लिए वो आदमी खुद पानी पीता है। ये देख दोनों को भी उसके ऊपर विश्वास आता है और उसका पानी और खाना खाने लगते हैं। लेकिन खाना खाते वक्त अचानक से जून बेहोश हो जाता है, क्योंकि उस आदमी ने खाने में बेहोशी की दवा डाली थी। और अब वो आदमी किम को एक रूम में बंद करके लॉक कर देता है। किम देखती है, किम थोड़ी देर के बाद देखती है कि वो आदमी की एक ज़ॉम्बी वाइफ है और उसी को खाना देने के लिए इन दोनों को उसने पकड़ा था और वो ज़ॉम्बी किम पर हमला कर देती है। तो यहाँ पर उस आदमी ने जून को भी बांध दिया था। यहाँ पे हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी वाइफ किम के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन अचानक से उन
दोनों की आवाज आना बंद हो जाता है। इसी कारण से वो आदमी उस रूम में देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी पता चलता है किम ने बड़ी होशियारी से उस ज़ॉम्बी के चेहरे पर कपड़ा बांध दिया था, जिसके कारण वो किम को देख ही नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलता है, ज़ॉम्बी दरवाजे की दिशा में जाने लगता है और उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। उस आदमी को भी उसकी वाइफ काटती है, इसीलिए अब वो भी ज़ॉम्बी बनने लगा था। अब वो आदमी किम को उसे गोली मारने के लिए कहता है और किम ना चाहते हुए भी उसे गोली मार देती है, लेकिन उसी की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज बिल्डिंग में इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहाँ पे इनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए किम जून को उसे गोली मारने के लिए कहती है। पर तभी जून को कुछ आवाज आती है, उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जिसे देख के जून खुशी से रोने लगता है कि फाइनली रेस्क्यू टीम आ गई थी। और वो दोनों ही बड़ी मुश्किल से ज़ॉम्बीज को मारते हुए टेरिस पर पहुंचते हैं, पर वहां पे पहुंचने के बाद उन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो बहुत ही दूर चुका था। दोनों की भी आखिरी उम्मीद निकल गई थी। ये देखते हुए जून जोरों जोरों से रोते हुए चीखने लगता है कि वी आर स्टिल अलाइव, देयर आर सर्वाइवर्स। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम देखते हैं बंद पड़े हुए कमरे, सुनसान रास्ते और ज़ॉम्बीज, इनके अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन जून के चीखने के कारण कोई आए या ना आए, लेकिन ज़ॉम्बीज वहाँ पे आ जाते हैं। अब जून के पास एक ही गन थी, उससे वो कुछ ज़ॉम्बीज को मार देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा थे और गोलियां कम, बचने का कोई भी चांस नहीं था। वो दोनों भी मरने ही वाले थे, तभी उनके पीछे से वही हेलीकॉप्टर आ जाता है और रस्सी डाल के दोनों को भी रेस्क्यू किया जाता है और फाइनली उनकी जान बचती है और उनके एक महीने का स्ट्रगल खत्म होता है। जून देखता है फोन का नेटवर्क भी आ जाता है और उसे उसके दोस्तों का मैसेज आया था, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि शहर में इसके जैसे ही और भी काफी सर्वाइवर्स हैं, जो एक एक दिन अपना काट रहे हैं, जिन्होंने अपने फोटोज SOS सोशल मीडिया पर डाले थे, जिसके चलते हुए रेस्क्यू टीम एक एक को बचा रही है और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। भाई अगर कोई भी अपोकलिप्स हो तो आप कैसे बचोगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।